अब आप कौन बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं केबीसी गेम्स और जीत सकते हैं आईपैड्स। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर और आज ही डाउनलोड कीजिए केबीसी ऑफिशियल ऐप। ऐसी खातिरदारी तो तुम्हें वहां अंदर भी नहीं मिलेगी। वहां तो सब ड्राई मामला है, सब सूखा सूखा सा। वैसे एक बात जरूर कहूंगा मैं, खाना खूब बढ़िया खिलाया आपकी बहन ने, मगर पिलाने का कोई इंतजाम नहीं। अरे शादी के दिन लोग पीते नहीं है, मगर आगे पीछे के फंक्शंस में तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है आजकल। क्या बताऊं ऋषि जी, ये प्रभु निवास है, यहां पर अल्कोहल अलाउड नहीं है, इसलिए मैं खुद का अरेंजमेंट खुद करके निकलता हूं। वैसे कारोबार क्या है आपका? बस यही कार है और यही बार। नाइस वन। वैसे ये कारोबार तो मेरी गाड़ी में भी है। हाँ, मगर अच्छा है तुम आ गए। रंग जमाने के लिए कोई तो संग जरूरी होता है। वैसे आपने अपना रंग ऑलरेडी जमा लिया है ऋषि जी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ आप मेरी बहन से शादी कर लो। अच्छी लड़की है, बहुत हार्डवर्क किया है उसने, बस थोड़ी सी बेवकूफ है वो। पृथ्वी एंटरप्राइजेस से पंगा ले लिया है उसने। ऋषि जी मैं तो कहता हूं आप उसे यहां से ले जाइए शादी करके, आपका एहसान होगा उस पर। अब देखो शुरुआत तो अच्छी हुई है, मेरे ख्याल से इंप्रेशन भी अच्छा जमा है। आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे दूल्हे राजा को और इतना घूरेगी ना तो तुझे भी चश्मा लग जाएगा, और फिर चश्मे वाली दुल्हन को रिजेक्ट कर दिया तो। हाँ मीनू बेटा तेरे मामा जी नहीं दिख रहे अभी तो। बस यहाँ हूँ दीदी, बस प्रदीप के साथ कुछ बातें कर रहा था। है तो बस थोड़ी जान पहचान बढ़ा रहा था, आखिर भाई हूँ, मेरा भी कुछ फर्ज है। वैसे ऋषि से बात करकर काफी अच्छा लगा। आखिर भाई किसका है, लाखों में एक है, मन का साफ और खुली किताब की तरह है। हाँ आंटी। बाहर तो कुछ ज्यादा ही खुल रहे थे बॉटल के संग। क्यों ऋषि? आंटी अगर इतने ही साफ और खुले मन के होते बाहर छुप कर नहीं पीते, यहां पीते ना सबके सामने खुलकर।
राइट? बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे भाई के बारे में ऐसे बात करने की? और तुम होते कौन हो इतनी बेइज्जती से पेश आने वाले? आंटी मैं चुप। बिल्कुल चुप। इसके बाद मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहता। पहले दिन से देख रहा हूं मैं, बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, चप्पड़ चप्पड़ चप्पड़। हर चीज पे तुम्हारा कमेंट्स, हर बात पे तुम्हारा जवाब। सुनो, पड़ोसी हो पड़ोसी बन के रहो। रिश्तेदार बनने की कोशिश मत करना, समझे? भाई साहब आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, बड़ा ही नेक बच्चा है ये। बच्चा बच्चा नहीं है ये। और बहन जी, गलती की माफी एक बार दी जाती है। जब से हम आए ये तो बस गलती ही किए जा रहा है। बस बहुत हो गया। मैं चाहती हूं कि ये लड़का मेरे बेटे की शादी का हिस्सा ना हो। साची, अगर तुम चाहती हो कि ये शादी हो तो इस लड़के को अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दो। आप ये क्या बोल रही हैं? कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं खुशियां मनाने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं। रुको दीदी, तुम कहीं नहीं जाओ। देखिए, मैं जानता हूं आपको अच्छा नहीं लग रहा, किसी ने आपके भाई के लिए भला बुरा कहा, वो भी लड़की वालों की तरफ से, और वो भी सबके सामने। मैं मानता हूं कि उसने जो कहा वो सही नहीं था, मगर उसकी तरफ से देखा जाए तो गलत भी नहीं था। उसने कुछ देखा, उसके मन में एक सवाल पैदा हुआ और उस सवाल उसने पूछ डाला। इसमें प्रॉब्लम क्या है? दोस्त, तुमने जो कुछ भी कहा तुम्हारा कहना जायज था। द फैक्ट इज कि मैं जीजा जी और दीदी के सामने नहीं पीता, वो जानते हैं, फिर भी उनके सामने नहीं पीता, आउट ऑफ शेयर रिस्पेक्ट फॉर देम। दीदी, अगर आप डीवी की जगह होती तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही करती। कोई भी ऐसा सोचता, मगर जरा संभल के दोस्त,
शादी का माहौल है, जरा से मैं बात बनती है बिगड़ जाती है, इसलिए जरा सोच के बोलो। अगर तुम्हें कुछ कहना ही था तो तुम मेरे पास आते, मुझे बोलते। बिलीव मी, मैं बुरा नहीं मानता। एनीवे, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। हाजी नानी, साची, सब ठीक है? शादी का मौका है, लेट अस ऑल एंजॉय, लेट्स हैव सम फन। कुछ खेलें हम? चलो अंताक्षरी खेलते हैं। दीदी कूल डाउन, जीजू प्लीज रिलैक्स। रॉन्ग टीवी, तुम्हें हो क्या गया है? तुम भी मुझे यही समझाने आई हो ना कि मैं गलत हूं? नहीं टीवी, मैं कुछ समझाने नहीं आई, और ऐसे मौकों पे कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता। जो तुमने किया वो भी सही था, और जो ऋषि ने किया वो भी सही था। क्या सही किया? झूठ बोला, चुपकर शराब पी। वो मुझे साची जी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। साची जी डिजर्व समवन बेटर, ऐसा कोई जो उन्हें समझे, उनका ख्याल रखे, उनका साथ दे। समवन रियली स्पेशल, जो कि ये ऋषि बिल्कुल नहीं है। दिल से सही नहीं हो रहा है। क्या सही नहीं हो रहा है? साची को सही और गलत की पहचान है। I don't understand, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? और वैसे भी ये साची का डिसीशन है, और मेरे हिसाब से ऋषि साची को और उसके परिवार को अच्छी तरह से समझेगा और संभालेगा भी। जो झूठ की आड़ में शराब पी रहा हूं, वो साची जी को क्या संभालेगा और क्या उनके लायक बन पाएगा? साची जी को झूठ से सख्त नफरत है, तुम जानती हो ना? अच्छे से डील, तुमसे कई ज्यादा अच्छे से जानती हूं मैं साची को। मैं साची की बेस्ट फ्रेंड हूँ और नेबर भी, कई सालों से जानती हूँ उसे। इसलिए कह रही हूँ कि ऋषि इज द बेस्ट पार्टनर फॉर साची। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। टीवी, बिलीव मी, सब अच्छा होगा। ओके, जस्ट रिलैक्स। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी। हाँ अच्छा, तो अब हम चलते हैं, कल प्राची की हल्दी का शगुन लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, कल तक अपना फैसला भी बता देना। Thanks for everything. सच में बहुत मजा आया। Stop saying thank you, Sunil. दामाद हो तुम इस घर के, खातिरदारी तो बनती है ना? अ
अभी थैंक यू बोलना बंद करो, नहीं तो जिंदगी भर थैंक यू ही बोलते रह जाओगे। बिल्कुल ठीक कह रही है मीना जी। अब चले सची। आई एम सॉरी, आज मेरी वजह से थोड़ा टेंशन हो गया। अरे नहीं नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपने तो बात को संभाल लिया, हमें आपसे थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच ऋषि। तो कल शगुन लेके आ जाऊं? वो क्या है ना, दीदी ने मुझे कल ड्राइवर की ड्यूटी दी है, तो शगुन के साथ मुझे आना ही पड़ेगा, इसलिए मैं पूछ रहा था। वैसे आप डांस बहुत अच्छा करती हैं। थैंक यू। अरे मामा कहाँ अटक गए? प्लीज चलो चलो अंदर चलो, प्राची राह देखते हैं। चलो चलो। वो डेकोरेटर्स के बिल्स। थैंक यू। चलो अच्छा है, एक फंक्शन तो अच्छे से निपट गया। अरे मुझे तो एकदम एग्जाम जैसी फीलिंग आ रही है। एक पेपर तो ठीक चला गया, बाकी सब भगवान ही मालिक है। वेल, आज का एग्जाम तो अच्छा हो गया, पर वो डीवी, उसने तो सारा फंक्शन ऑलमोस्ट फेल ही कर दिया था। ओए कोई नहीं ओए पुत्तर, सब कुछ ठीक ठाक निपट गया है। और वो बेचारा डीवी, वो हमारी भलाई के लिए ही बोल रहा था जो भी बोल रहा है, लेकिन बात बिगड़ जाती तो? जो बात बिगड़ी नहीं है उसके बारे में बात ही क्यों करें? और शादी ब्याह में ऐसी बातें तो हो ही जाती है। चल तू अपने गिफ्ट्स खोल, ये शादी से तो निकल पड़ी है इसकी, रोज नए नए गिफ्ट मिल रहे हैं। देखा क्या है? ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अब तक तेरे गिफ्ट का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा कब देगा, देगा या नहीं देगा ये तो बता दे। रोज जो तेरी पोल नहीं खोलता हूँ ना, ये सबसे बड़ा गिफ्ट देता हूँ। थैंक यू सो मच इतने बड़े गिफ्ट के लिए, लेकिन जो तेरे जेब में तूने छोटा सा गिफ्ट मेरे छुपा के रखा है ना, मुझे पता है तू मेरे लिए कुछ लाया है, देना। अरे वो तो बस ऐसे ही है, पता है तू बड़ी मटेरियलिस्टिक लड़की है, दे दूंगा बाद में। बाद में नहीं, अभी दे। और वैसे भी आदू, छोटे भाई छोटे गिफ्ट ही देते हैं, तो दे। अब तू जा ही रही है और वैसे भी 10 बार अपना फोन गिराती है ये, इसलिए मैं सोचा ये फोन कवर से तेरा फोन सेफ भी रहेगा और हम सबसे तेरा कनेक्शन टूटेगा भी नहीं। थैंक यू आदू, अब तक तो सिर्फ सुनील से बात करती थी, लेकिन अब आप सबसे बात करूंगी। आप सबकी बहुत याद आएगी। पागल,
बस 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 हमें भी रुलाएगी क्या? ए पगली इधर आ। इस घर से जा रही है हमारे दिल से तो नहीं ना? जब मन चाहे तब यहाँ आ जाना बस, या फिर हमें वहां पर बुला लेना। तेरे बगैर परिवार अधूरा हो जाएगा ना एकदम। सुमन कंट्रोल, वो यहाँ आएगी वही अच्छा होगा। अगर हम वहाँ जाएंगे और उसके सास ने कहा कि साड़ी पहन के आना तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नहीं बाबा नहीं, तू ही इधर आ जाया करना, वही सही। मुझे नहीं पता था मेरी छोटी सी गिफ्ट से इतना मेलोड्रामा हो जाए। ये प्राची अपना फोन संभाल के रख, तो कल को नानी को साड़ी पहननी पड़ेगी। संभाल के रखना पुत्र। जानता हूँ कि मेरी वजह से आप लोग सुनील के फैमिली के सामने प्रॉब्लम में आ गए थे। प्रॉब्लम ज्यादा हुई नहीं, बट इट्स ओके। हाँ लेकिन अगर हो जाती तो बहुत गड़बड़ हो सकती थी। हो सकती थी पर हुई तो नहीं। एक्चुअली ना जो वो सब शायद बोलना ही नहीं चाहिए था। तो आप मुझसे नाराज नहीं है? ओके थैंक यू। इसलिए मुझे माफ करने के लिए। देवी माफी तुम्हें मुझसे नहीं ऋषि से मांगनी चाहिए। ऋषि से क्यों? धोखा तो नहीं था ना तुमने? साची जी यू आर सीरियस? यस टीवी आई एम सीरियस। और मुझे तो लगता है कि तुम्हें सिर्फ सॉरी ही नहीं थैंक यू भी बोलना चाहिए उन्हें, क्योंकि अगर कल वो नहीं होते तो वो बात बिगड़ सकती थी। आंटी नमस्ते। So how are you doing, angry young man? ठीक हूँ मैं। ऋषि बात कहूं? Oh? कल रात के लिए I'm very sorry. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। Come on यार, sorry कहने की कोई जरूरत नहीं। Stop it, you're embarrassing me. In fact, ऐसी गलतियां तुम करते रहो, क्या है ना तुम्हारी गलतियों से मेरा इंप्रेशन बेटर हो जाएगा। So you know what? Just keep it going. I'll catch you later. वहीनी आप भी ना क्या कर रही हैं? अरे रुक ना साची, तू ना ऐसे ही बाल बांधा कर। कितना सुंदर लग रहा है।
अब निकल कर आया चांद से सुंदर चेहरा। आप भी ना। अरे फंक्शन प्राची के लिए, मेरे लिए नहीं है। सांची, अब तू ना अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सजा कर, दुगना आनंद आएगा। अच्छा। ताई वो लोग आ गए। वही नहीं, वो लोग आ गए। छोड़ी 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 सांची, मेरी बात सुन, पहले पिन लगा ले। बाद में लगा। सांची नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप सर? बस बढ़िया। मीना जी आप कैसी हैं? हाँ मैं भी अच्छी हूँ, बट बहुत गर्मी है, इट्स जस्ट टू हॉट हियर। आइए ना कूलर उस। हाँ हाँ चलिए वहीं चलते, रस्में भी शुरू ही होने वाली है। चलिए। वहाँ पर वैसे मैंने गलत कहा, खुले बालों में तुम अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगती। ये तुम्हारे बाल हैं ना, इन्हें खोल के रखा करो, बहुत सुंदर लगो। सुंदर तो तुम हो ही, और ज्यादा सुंदर लगोगी।
अरे मुक्ता तुम हल्दी की सेरेमनी हो गई? हाँ हो गई ना। सब हल्दी छोड़ दिए तुमने? किधर? यहाँ माथे पर। हाँ नहीं 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 जा रही है, नहीं जा, मैं लटा मैं कर लूंगी। तो क्या बता दिया? अरे चीक्स पे भी। किधर? हाँ मैं बताता हूँ, मैं कर लूंगी। ये सॉफ्ट है तुम्हारे चीक्स, वेरी सॉफ्ट। हाँ मुग्धा तुम एंजॉय तो कर रही हो ना? जी। हाँ जी। अब कल संगीत पे बहुत ग्रेसफुली डांस करेंगे। वेरी नाइस, कीप इट अप मुग्धा, जस्ट कीप इट अप। ओके या एक्सक्यूज मी। या कौन बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं केबीसी गेम्स और जीत सकते हैं आईपैड्स। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर और आज ही डाउनलोड कीजिए KBC ऑफिशियल ऐप।